आज हम बात करने वाले सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है MTS पद के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/10/2021 से आरम्भ हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा डेट, लास्ट डेट ये रहा, ये पर नोटिफिकेशन ये रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुसंधान एवं विकास प्रधान R&D के द्वारा निकाला गया है विज्ञापन संख्या। आप देख सकते हैं, आप इसी तरह से स्क्रॉल करके नीचे भी आएंगे तो आप देख सकते हैं। आज मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहें हमारे साथ। अगर तक अभी तक आपने A40 फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ, ताकि आप भी हमेशा हर चीज़ से अपडेट रह सकें। तो चलिए हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CRPI के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है, देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट एंड MTS पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 65 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। सैलरी आपको पोस्ट वाइज दी जाएगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जॉब लोकेशन ऑल इंडिया हो सकती है। लास्ट डेट की बात करें तो 21/11/2022 होने वाली है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 1/11/2022 से स्टार्ट होने वाली है, 21/11/2022 तक रहने वाली है। अब एज लिमिट की बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंजीनियर ऑफिसर GR1 के लिए 30 ईयर रखा गया है, और सैलरी की बबात की जाए तो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपया होने वाली है। सर्टिफाइड इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 35 ईयर रहने वाली है यहाँ पर, और यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया होने वाली है। टेक्निकल GR1 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल जो है इसके लिए 28 ईयर रखा गया है। एज लिमिट 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये होने वाली है। असिस्टेंट JR2 के लिए 30 ईयर से होकर 25,581,100 रुपये होने वाली है। MTS पद जो कि कम लेवल का है, तो देख सकते हैं MTS पद के लिए यहाँ पर कितने वैकेंसी रखे गए हैं। MTS Grade 1 वॉचमैन के लिए देख सकते हैं 45 ईयर मैक्सिमम रखा गया है, जो कि 18,000 रुपये सैलरी से आपको बढ़ करके 56,900 रुपये हो सकती है। वैकेंसी डिटेल की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियर ऑफिसर के लिए JR1 के लिए अब देख सकते हैं जनरल में 20 सीट है, OBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं SC के लिए 8 सीट है, ST के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, EWS के 6 सीट है, यहाँ पर 2 सीटें रहने वाली हैं। तो देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंटिफिक इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, जो कि UR के लिए 6 सीट, AWS के लिए 1 सीट होने वाली है। टेक्निकल JR1 के लिए 15, UR के लिए 8, OBC के लिए 6, EWS के लिए 1 सीट होने वाली है। तो अब देख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेंगे। असिस्टेंट JR के लिए यहाँ पर रखने वाली है UR के लिए 7 सीट, जनरल के लिए 7 सीट, SC के लिए 3 सीट, OBC के लिए 5 सीट, EWS के लिए 1 सीट। MTS ग्रेड वॉचमैन के लिए यहाँ पर रख सकते हैं जनरल के लिए 4 सीट, ST के लिए 1 सीट, OBC के लिए 1 सीट, EWS के 1 सीट होने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 65 पोस्ट वहाँ पर होने वाली है। OBC के लिए यहाँ पर 63 सीट दिया जा रहा है, AC के लिए 6 सीट दिया जा रहा है, ST के लिए 2 सीट दिया जा रहा है, OBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 सीट दिया जा रहा है, EWS के लिए 6 सीट दिया जा रहा है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अगर अब इंजीनियर ऑफिसर JR1 के लिए भरते हैं तो Class 1 BBT इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियर, अगर ये सब आपके पास है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर और एक बात, और गेट स्कोर द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर द गेट स्कोर, अगर आप गेट में स्कोर किए हैं तभी आप इसमें अप्लीकेबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो देख सकते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1st Class BSc इन केमिस्ट्री से होना चाहिए, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हैंडिंग शॉर्टेस्टेड इक्विवेलेंट सच, तो आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 1st Class 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं टेक्निकल JR के लिए ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिक ट्रेड, फिर यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट JR के लिए जो कि देख सकते हैं जूनियर BA BSc BCom BBA MBA
BBM विथ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 3 ईयर पोस्ट वर्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लीकेबल हो पाएंगे, नहीं था नहीं। अब MTS पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सब इसी पोस्ट पर ज़्यादा फॉर्म भर जाएंगे। MTS ग्रेड 1 वॉचमैन के लिए एक सर्वे में आर्मी नेवी एयरफोर्स प्रेफरेंसी विथ 10th पास, आपको आर्मी में अगर ज्वाइन है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर रखा गया है, द सिलेक्शन ऑन द बेसिक देयर गेट स्कोर, गेट स्कोर्स में आप स्कोर किए होंगे तभी आप इसमें अप्लीकेबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देख सकते हैं CRPI रिजर्व द कर राइट फिक्स के बारे में बात कर लिया मैंने। अब यहाँ पर बात करते हैं साइंटिफिक इंजीनियरिंग के लिए, बात कर लेते हैं साइंटिफिक इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं द एलिजिबल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी द कॉलेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड मैक्सिमम टेस्ट होगा, जो कि द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर परफॉर्मेंस इन MKC जैसे अकेडमी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं टेक्निकल JR के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको पूरी जानकारी और भी कुछ देने वाला हूँ जो कि आपको अच्छा लगे। वॉचमैन के लिए यहाँ पर बात कर लें तो वॉचमैन जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वॉचमैन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी द कॉलेड फ्रॉम द कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट एंड दोज हु द क्वालिफाई इन द टेस्ट आर रास्क दिन सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल टेस्ट क्वालिफिकेशन इन फिजिकल टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और लाइक करने से हमें यह मोटिवेट मिलता है कि हम इस तरह का वीडियो और बना सकें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।